हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपोभूमि क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एशियाई खेल 2018, जिनका समापन अभी हाल ही में 2 सितंबर 2018 को हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम किशोरी भदौरिया है और मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और यहाँ पर अभी तक मैंने 12 कोर्सेज बनाए हैं, जिनमें से मेरा एक कोर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का भी है। और इस कोर्स में आपको अभी तक जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी, उनके इतिहास के बारे में, उनके वर्तमान स्थिति के बारे में, साथ ही साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर मुझे सर्च करना है और मुझे फॉलो करना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एशियाई खेल 2018। तो 2018 में जो एशियाई खेल हुए हैं इनका क्रम था 18वां क्रम। ये 18वें क्रम के एशियाई खेल थे, तो आपको ये याद रखना है ये कौन सा एशियाई खेल खेला गया है। मेन जवान शहर था जकार्ता और पालमबांग, और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब एशियाई खेलों को दो शहरों में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम जकार्ता की बात करें तो जकार्ता में ये दूसरी बार हो रहे हैं, इससे पहले भी जकार्ता में एशियाई खेल हो चुके हैं और लेकिन पालमबांग में ये पहली बार हो रहा है। इसका जो ध्येय भाग था वो था एशिया की ऊर्जा, प्रतिभागी देश 45 थे और खिलाड़ियों की संख्या थी लगभग 11,720। 40 खेलों में 465 स्पर्धाएं हुई थी। उद्घाटन समारोह 18 अगस्त को हुआ था और समापन समारोह 2 सितंबर को हुआ था। आधिकारिक उद्घाटनकर्ता थे जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आधिकारिक समापनकर्ता जूसुफ कल्ला, जो कि इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति हैं। खिलाड़ी शपथ ली थी अर्की दिकनिया विष्णु ने। मसाल जलाने वाली जो खिलाड़ी थी वो थी सुशी सुशांति। मुख्य आयोजक थे गैलोरा बिंग कर्डो स्टेडियम, और इसी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों ही संपन्न हुए थे। अब हम बात करेंगे एशियाई खेल के शुभंकर की। तो जैसे आपको बता दूं, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, तो उसमें एक शुभंकर जरूर जारी किया जाता है। तो एशियाई खेल में इस बार 3 शुभंकर जारी किए गए थे, जिनमें से एक था भिन भिन, जो एक पक्षी है, अतुंग ये एक हिरण है, काका एक गैंडा है, जो कि क्रमशः देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ जो भिन्न भिन्न पक्षी है वो रणनीति को दिखाता है, अतुंग जो एक हिरण है वो गति को दर्शाता है, और काका जो कि गैंडा है वो ताकत को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे आधिकारिक गीत की। तो आधिकारिक जो गीत एल्बम थी उसका नाम था एनर्जी ऑफ इंडिया, और इस एल्बम में 13 गाने थे। उसके बाद हम बात करेंगे मशाल दौड़ की। तो मशाल दौड़ है, इसका जो आरंभ हुआ था 15 जुलाई 2018 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। यहाँ से इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि जो पहले एशियाई खेल हुए थे वो दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। इसके बाद जो मशाल है वो 17 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया पहुंची थी, और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस होता है, और इस बार यानी कि 2018 में इंडोनेशिया का 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब हम बात करेंगे पदक तालिका की। तो पदक तालिका में हमने यहाँ पर 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन को लिया है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने मे जवान शहर और भारत को भी लिया है। तो सबसे ज़्यादा जो रहे हैं, सबसे पहले स्थान पे रहा है चीन। तो चीन के टोटल जो रहे हैं वो रहे हैं 289, जिसमें 132 हैं गोल्ड मेडल, 92 हैं सिल्वर मेडल और 65 हैं कांस्य मेडल। उसके बाद जापान की बात करें तो जापान के टोटल रहे हैं 205, जिसमें 75 हैं स्वर्ण, 56 हैं रजत और 74 हैं कांस्य पदक। दक्षिण कोरिया थर्ड नंबर पे रहा। जो मेजवान शहर है इंडोनेशिया है वह रहा है चौथे नंबर पे। इसने कुल 98 पदक जीते हैं, जिनमें 31 स्वर्ण पदक, 24 रजत और 43 कांस्य पदक हैं। भारत की बात करें तो भारत का नंबर रहा है 8वां। भारत ने कुल 69 पदक जीते हैं, जिनमें से 15 स्वर्ण है, 24 रजत पदक है और 30 कांस्य पदक हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि एशियाई गेम 2018 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 12 गेम्स जो है शामिल किए गए थे, जिनमें 10 नए गेम तो ये इन में मेडल दिए गए थे, जबकि 2 गेम जो थे वो कि दिखावे के लिए थे, इनके लिए कोई मेडल नहीं दिया गया था। और इनमें था ई स्पोर्ट्स और कैनोई पोलो। तो ई स्पोर्ट को क्या है, जो गेम है इनको 2012 में एशियाई खेलों, सॉरी 2022 में एशियाई खेलों में शामिल किए जाएंगे।
और इनके लिए मेडल भी दिया जाएगा। अब हम एक एक करके इन गेम्स को देख लेते हैं। पहला है पैनकेक सिलाट, जो इंडोनेशिया का मार्शल आर्ट है। जुजुत्सु जापानी मार्शल आर्ट है। सैम्बो रूस का मार्शल आर्ट है। पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोलर स्पोर्ट्स, जेट स्कीइंग, ब्रिज कुराश और बास्केटबॉल 3x3। इसमें मतलब कि क्या होता है कि हर पारी में तीन तीन खिलाड़ी होते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत का एशियाई खेलों में 2018 में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो भारत में हम देखेंगे एशियाई खेल में क्या प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ध्वजवाहक। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा के हैं और ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और समापन समारोह में ध्वजवाहक रही हैं रानी रामपाल, ये भी हरियाणा की और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। खिलाड़ी यानी कि 36 खेलों में लगभग 572 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। अब हम बात करेंगे कि भारत को जो 15 स्वर्ण पदक मिले हैं वो किन किन को मिले हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे बजरंग पूनिया की। तो बजरंग पूनिया को स्वर्ण पदक मिला है कुश्ती में, मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये हरियाणा के हैं। आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी जगह से हैं। विनेश फोगाट, इनको भी स्वर्ण पदक मिला है, किसमें? कुश्ती में मिला है, वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये हरियाणा की हैं। तीसरे हैं सौरभ चौधरी, इनको भी शूटिंग में स्वर्ण पदक मिला है, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, और ये मेरठ उत्तर प्रदेश के हैं। आपको बता दूं ये देश के सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता हैं एशियाई खेलों में, और इनकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष है। अगली है रानी सरनोबत, इनको शूटिंग में स्वर्ण पदक मिला है और ये महाराष्ट्र की हैं, और इनको किस उसमें मिला है? वुमेन्स 25 एयर पिस्टल में। यहाँ पर क्या आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, शूटिंग में आपको जरूर याद रखने की ज़रूरत है कि इनको कौन से वर्ग में पदक मिला है। अगली हम बात करेंगे रोइंग यानी कि नौकायन में। तो नौकायन में ये चार लोगों का समूह था जिनको स्वर्ण पदक मिला है। इनमें थे सवर्ण सिंह, दत्तू भोकानल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह। उसके बाद लॉन टेनिस में मेंस डबल में मिला है स्वर्ण पदक रोहन बोपन्ना को, जो कि बेंगलुरु के हैं, और दिविज शरण को, जो कि नई दिल्ली के हैं। अगला स्वर्ण पदक मिला है तजिंदर पाल सिंह तूर को, और इनको शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक में मिला है, और ये पंजाब के हैं, और इन्होंने अपना एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। इन्होंने जो गोला फेंका है उसकी दूरी है 20.75 मीटर, और इन्होंने ओम प्रकाश करहाना का 6 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने जो गोला फेंका था उनका रिकॉर्ड था 20.69 मीटर का। अगला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को किसमें मिला है? भाला फेंक में मिला है स्वर्ण पदक, और ये हरियाणा से हैं। और भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक मिला है इनको 1982 यानी कि 1982 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, और इसके बाद ही इनको क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। अगला है अरपिंदर सिंह, और इनको स्वर्ण पदक मिला है मेंस ट्रिपल जंप में, और ये पंजाब के हैं, और ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 48 सालों के बाद। अगला है मंजीत सिंह, इनको स्वर्ण पदक मिला है मेंस 800 मीटर्स में, और ये कहाँ के? ये भी हरियाणा के हैं। अगला स्वर्ण पदक मिला है स्वप्ना वर्मन को, और इनको मिला है वुमेन्स हेप्टाथन में, और ये पश्चिम बंगाल की हैं, और इसमें 7 इवेंट्स होते हैं, और 7 इवेंट्स को मिलाकर जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं उनको स्वर्ण पदक मिलता है। अगला स्वर्ण पदक मिला है जिनसन जॉनसन को, और इनको मिला है मेंस 1500 मीटर्स में, और ये केरल के हैं, और इनको 800 मीटर में सिल्वर मेडल भी मिला है। अगला जो स्वर्ण पदक मिला है वो मिला है वुमेन्स 4x400 रिले में। इसमें चार लोग थे, कौन कौन थे? हिमा दास जो कि असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं, एमआर पुवम्मा, सरता बेन गायकवाड़ और वीके विस माया। अगला स्वर्ण पदक मिला है अमित पिंगल को, और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। इनको स्वर्ण पदक मिला है लाइट फ्लाई वेट 49 किलोग्राम भार वर्ग में। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अमित पिंगल ने 2016 ओलंपिक चैम्पियन जो रहे हैं उनको हराया है। अगला मिला है प्रणव वर्धन और सिमनाथ सरकार को स्वर्ण पदक, इनको ब्रिज में मिला है मेंस पेयर में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये खेल पहली बार शामिल किया गया है एशियाई गेम में, तो यहाँ पर ये आप इस पॉइंट को याद रखना है कि किसको स्वर्ण पदक मिला है।
परीक्षा की दृष्टि से स्वर्ण पदक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रजत पदक इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है। तो रजत पदक में सबसे बात करते हैं हम दीपक कुमार की। दीपक कुमार दिल्ली के हैं और इनको शूटिंग में मिला है। लक्ष्य शिरोन हरियाणा के हैं, इनको भी शूटिंग में मिला है। संजीव राजपूत हरियाणा के हैं, इनको भी शूटिंग में मिला है। शार्दुल विहान ये मेरठ उत्तर प्रदेश के हैं और इनको शूटिंग में मिला है। और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, कितने के 15 वर्ष के। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने सौरभ चौधरी की बात की थी, उनको भी शूटिंग में क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। तो वो ऐसे सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी हैं जिनको स्वर्ण पदक मिला है। शार्दुल विहान को स्वर्ण पदक नहीं मिला है, इनको रजत पदक मिला है। लेकिन अगर बात करें पूरे गेम में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की, तो है ये शार्दुल विहान। अगला है भारतीय महिला राष्ट्रीय कबड्डी टीम, इनको रजत पदक मिला है और ईरान ने गोल्ड मेडल जीता है। अगले हैं फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा कहाँ के हैं, बेंगलोर कर्नाटक के हैं और इनको घुड़सवारी में रजत पदक मिला है। और ऐसा हुआ है कि 36 साल के बाद किसी भारतीय ने घुड़सवारी में पदक जीता है। अगला हम बात करते हैं घुड़सवारी टीम की, यानी कि ये तो हो गया इनका अकेले का। अभी टीम में 4 लोग थे, तो इसमें कौन कौन था, फवाद मिर्जा, राकेश कुमार, अभिषेक मलिक और जितेंद्र सिंह, इनको रजत पदक मिला है। उसके बाद हिमा दास, ये एक एथलेटिक्स हैं और ये असम की हैं, इनको रजत पदक मिला है वुमेंस 400 मीटर्स में। मोहम्मद अनास, ये भी एथलेटिक्स हैं और ये केलर से हैं। डुडी चांद, ये भी एथलेटिक्स हैं और ये ओडिशा से हैं। धरुण अय्यास्यामी, इनको मेंस 400 मीटर हर्डल्स में मिला है और ये 2010 के बाद इसमें इनको रजत पदक मिला है। इनको नहीं, मतलब कि कोई भी खिलाड़ी को 2010 के बाद मिला है और ये तमिलनाडु के हैं। उसके बाद है सुधा सिंह, ये एथलेटिक्स हैं और ये उत्तर प्रदेश की हैं। नीना वाराकिल, ये एथलेटिक्स हैं, ये कलकत्ता की हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तीरंदाजी वुमेन टीम कंपाउंड की। तो इसमें 3 लोग थे और 3 लोगों को रजत पदक मिला है। कौन कौन थे, मुस्कान किरार, मधुमिता कुमारी, ज्योति सुरेखा, वैन्ना। उसके बाद बात करेंगे हम तीरंदाजी मेंस टीम कंपाउंड की, तो इसमें मिला है अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी को रजत पदक। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वुमेन सिंगल में रजत पदक मिला है और ये तेलंगाना की हैं और ये ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल तक पहुंची हैं। अगली हैं पिंकी बलहारा, इनको कुराश में मिला है रजत पदक। तो ये आपको ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि कुराश जो खेल है ये पहली बार शामिल किया गया है। उसके बाद एथलेटिक्स मिक्स्ड 4x400 मीटर्स रिले, मिक्स्ड यानी कि इसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं होती हैं। तो इसमें मिला है राजीव अरोकिया, मोहम्मद अनास, हिमा दास और MR पुबम्मा को। एथलेटिक्स मेंस 4x400 मीटर रिले, इसमें मिला है रजत पदक धरुण अय्यास्यामी, कुन्हू मोहम्मद, राजीव अरोकिया और मोहम्मद अनास को। उसके बाद सेलिंग में मिला है श्वेता सरवर और वर्षा गौतम, यानी कि 2 लोगों के युगल में मिला है। अगला है फील्ड हॉकी, यानी कि वुमेन्स की जो फील्ड हॉकी की जो टीम थी उसको रजत पदक मिला है। उसके बाद स्क्वैश वुमेन टीम को मिला है रजत पदक, इसमें कौन कौन था, दीपिका पल्लीकल, जोशन्ना चिनप्पा, तन्वी खन्ना और सुनाया कुरुविल्ला। तो ये हो गए हमारे रजत पदक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कांस्य पदकों की, देख लेते हैं जल्दी से किस किस को कांस्य पदक मिला है। तो रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला, इनको 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में इनको कांस्य पदक मिला है। शूटिंग में अभिषेक वर्मा को शूटिंग में मिला है, दिव्या काकरन को कुश्ती में मिला है, रोशि बिना नौरेम को वुशु में, संतोष कुमार को वुशु में, सूर्य भानु प्रताप सिंह को वुशु में और नरेंद्र ग्रेवाल को भी वुशु में मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया मेंस नेशनल इस्पात टैक्रो टीम, इसमें इनको क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो खेल है वो 1990 में शामिल किया गया था एशियाई खेलों में और ऐसा पहली बार हुआ है जब इसको क्या मिला है, मेडल मिला है। अंकिता रैना, इनको लॉन टेनिस में वुमेन सिंगल में रजत पदक मिला है और ये ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं जिनको टेनिस में कांस्य पदक मिला है, सॉरी मैंने रजत बोला, इनको क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। इससे पहले शानिया मिर्जा को 2 बार कांस्य पदक मिल चुका है। अगला है पुरुष कबड्डी टीम को कांस्य पदक मिला है। उसके बाद रोहित कुमार, भगवान सिंह, इनको नौकायन में मेंस डबल में मिला है कांस्य पदक। हीना सिंधु को शूटिंग में मिला है।
सीमा पूनिया एथलेटिक्स है, हर्षिता तोमर सेलिंग में इनको मिला है कांस्य पदक। ये इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की दृष्टि से, क्योंकि हर्षिता तोमर कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, और हस्ता तोमर को 2017 का बेस्ट सेलिंग अवार्ड भी मिला है। पीयू चित्रा एथलेटिक्स है, वरुण ठक्कर और गणेश पति चैन गप्पा को सेलिंग में क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। अगला है दुष्यंत चौहान, इनको रोइंग में सिंगल में मिला है कांस्य पदक और ये हरियाणा के हैं। माला प्रभा जाधव, इनको क्रॉस में कांस्य पदक मिला है, ये कर्नाटक की है। अंचिता शरत कमल, इनको टेबल टेनिस में, अंचिता शरत कमल और मनिका बत्रा को मिक्स्ड डबल में टेबल टेनिस में कांस्य पदक मिला है। साइना नेहवाल को बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला है। उसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं किस किस को कांस्य पदक मिला है। तो टेबल टेनिस में साथियन ग्राना सैकरन को, अचंता शरत कमल को, एंथोनी देसाई, हरमित देसाई, मानव ठक्कर। स्क्वैश में मिला है सौरभ घोषाल, हरेंद्र पाल सिंधु, रमित टंडन और महेश मंगावकर को। बॉक्सिंग में मिला है विकास कृष्ण यादव को। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम को मिला है कांस्य पदक। उसके बाद स्क्वैश में तीन लोगों को मिला है, दीपिका पल्लिकल, जुशन्ना चिनप्पा और सौरभ घोषाल को। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं कि एशियाई गेम अभी 2018 में चल रहे हैं, 18वें क्रम के हैं, लेकिन इससे पहले वाला भी पूछा जा सकता है कि 2014 के कहाँ हुए थे। तो 2014 में जो हुए थे इनका क्रम था 17वां और ये इंचोन दक्षिण कोरिया में हुए थे। और जो 19वें एशियाई खेल है ये 2022 में होंगे और ये कहाँ प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है हंगजोउ चीन में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वहाँ पर आप मुझे लर्निंग हैट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, सॉरी डेडिकेट कर सकते हैं।